जो एक किसान है जिसका घर वैली के टॉप पर है, वो खेती करता है। एक बार वो अपने खेत में खड़ा होकर देखता है कि उसके क्रॉप बहुत अच्छी हैं, बस उसमें एक पानी की ज़रूरत है, थोड़ा सा पानी पड़ जाए। तभी उसकी पत्नी आ जाती है और बोलती है चलो खाना खा लो। फिर उसके बाद लंच वो खाना खाने बैठ जाता है और देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अचानक उसकी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि वहाँ तूफान आ जाता है जिसके कारण लंचो की क्रॉप जो है ख़राब हो जाती है, मक्के की खेती ख़राब हो जाती है। और वो लेटर लिखता है गॉड को कि भाई उसके लिए शॉप एशोज उसके लिए इंतजाम करें, तो गॉड उसको भेजें, नहीं तो उसकी फैमिली भूखी मर जाएगी और इस साल खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद जब उस लेटर पोस्ट ऑफिसर को मिलता है तो वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, जिससे वो भी पहले हंसता है लेकिन वो एकदम से सीरियस हो जाता है। वो लंचो का फेथ ब्रेक नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया कि अपनी सैलरी आधी कलेक्ट की और अपने सभी एम्प्लॉयों को बोला कि पैसे कलेक्ट करे और लंचो को भेजा जाए। और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने केवल 100 पैसों की जगह 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाए और उसने लंचो को भेज दिया। जब लंचो को ये लेटर मिला तो वो बहुत एंग्री हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसमें 100 पैसों की जगह केवल 70 पैसों थे। उसको यह विश्वास था उसके बचे हुए पैसे पोस्ट ऑफिसर और उनके एम्प्लॉय ने ले लिया है और वो उन्हें बदमाशों का गुच्छा कहता है। और वो इस बार लेटर लिखता है गॉड को कि इस बार उनको पैसे दें पर बाय पोस्ट नहीं, उनको डायरेक्ट ही पैसे दें। और उसके बाद जब ये लेटर पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिसर को मिलता है तब वो बहुत गुस्सा होते हैं। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।